मैं हूं निवेदिता। भारत में पीएम मोदी के नेतृत्व में मजबूत सरकार और अमित शाह जैसे गृह मंत्री को शायद दुश्मन देश पचा नहीं पा रहा है। तभी तो कभी परमाणु हमले की गीदड़ भभकी देता है, तो कभी तो अपने देश में पलने वाले आतंकी संगठनों को भारत के खिलाफ एक्टिव कर देता है। लेकिन कहता यह है कि हम तो खुद ही आतंकवाद से ग्रसित हैं। लेकिन अब जब सीमा पर पाकिस्तान के आतंकी कुछ नहीं कर पा रहे तो भारत को बम से तबाह कर देने की धमकी दे रहे हैं, भारत के मंदिरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये हम सुनी सुनाई बातों में आकर नहीं कह रहे, बल्कि बाकायदा इसके लिए उत्तर रेलवे के रोहतक जंक्शन पर शनिवार को ऑन ड्यूटी स्टेशन सुपरिटेंडेंट को रजिस्टर्ड डाक से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की तरफ से भेजा गया एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें भारत को 8 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। पत्र में लिखा है कि दशहरे के दिन यानी कि 8 अक्टूबर को जयपुर कोटा सहित 11 रेलवे स्टेशनों और 6 राज्यों के मंदिरों में बम विस्फोट किया जाएगा। उत्तर रेलवे के रोहतक, कुरुक्षेत्र, उत्तर पश्चिमी रेलवे के रेवाड़ी, हिसार, पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल, कोटा, इटारसी, मुंबई सिटी, बेंगलुरु, चेन्नई रेलवे स्टेशनों और राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और हरियाणा जैसे राज्यों के बड़े मंदिरों को भी बम से उड़ा देने की धमकी दी गई है, जिससे देश भर में हड़कंप मच गया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के प्रिंसिपल आईजी एस मयंक ने रेलवे स्टेशनों पर आरपीएफ जवानों की तैनाती बढ़ा दी है, साथ ही इन स्टेशनों से गुजरने वाली ट्रेनों में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पत्र लिखने वाला खुद को जैश ए मोहम्मद का जेएनके का एरिया कमांडर बता रहा है। नाम है मसूद अहमद, जो पत्र में लिख रहा है कि हम अपने जिहादियों की मौत का बदला जरूर लेंगे। कह रहा है कि इस बार भारत की सरकार को ही उड़ा देगा। लिखा है, हम जिहादी हजारों की संख्या में हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे, चारों तरफ सिर्फ खून ही खून होगा, खुदा हाफिज। पत्र जिसने भी लिखा हो, चाहे वो खुद मसूद अहमद ने लिखा हो या फिर ये किसी की मात्र शरारत भर हो, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां और साथ ही क्योंकि रेलवे को भी नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई है, तो रेलवे पुलिस भी फिलहाल सुरक्षा को लेकर चौकन्नी है। इसे गंभीर मानते हुए सभी जोनल रेलवेज में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब आतंकी संगठन के नाम पर किसी ने भारत को धमकी भरा पत्र भेजा हो। इससे पहले भी भारत को तबाह कर देने और उजाड़ देने के बहुत से पत्र मिले हैं, लेकिन क्योंकि मामला गंभीर है और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की वजह से दुश्मन देश पाकिस्तान जहां आतंकी पलते हैं उससे रिश्ते अब कड़वे ही हो चले हैं, क्योंकि भारत से हर एक प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को मुंह की ही खानी पड़ रही है। तो अगर गुस्से में बौखलाकर पाकिस्तान अपने आतंकियों को भारत के खिलाफ एक्टिव कर दे तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी।